पलाश सर की बर्थडे पार्टी में आए, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ है, कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, पलाश भाई की बर्थडे पार्टी में 50 साल के हो गए, लगते नहीं 50 साल के, आज वो यंग लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, फुल उनका चार्म, उनका ऑरा, उनका करिश्मा आदि वैसे बरकरार है जैसे 20 साल पहले था। एंड ही इज अ फैबुलस एक्टर एंड ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मतलब ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो आप हमेशा अच्छा होता है। ऑडियंस आपके शो को, आपके कैरेक्टर को इतना प्यार दे रही है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहें? उनको तो मैं बस हर पल थैंक यू ही करना चाहूंगा, उन्होंने हमारे कैरेक्टर को हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हो, आपने एक्सेप्ट किया है, खुली भाव से आपने एक्सेप्ट किया है, तो मैं तो आपको पूरा आपको मैं बस थैंक यू ही करना चाहूंगा। ये कहता रहूंगा कि थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे शो को इतना प्यार दिया, आगे भी प्यार देते रहिए और ऐसे ही ब्लेसिंग ऐसे ही दुआएं देते रहिए, हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते हैं। आप कितना सेट पे एंजॉय कर रहे हैं, किसके साथ क्या कुछ बॉन्डिंग हो रही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे? सेट में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, चाहे हम चार भाई हों, हमारी भाभियां हों आपस में सारे हैं, माँ हो, जो भी है, हमारी आपस में ऐसी बॉन्डिंग है कि जब भी मतलब आप लगाओ शॉट भी कट होता है ना तो हम सारे सेट पर ही बैठे होते हैं। ऐसा किसी भी होता है यार मैं अपने मेकअप में जा रहा हूँ चलो शॉट के बाद मिलेंगे, सबका आपस में एक बॉन्डिंग, एक प्यार, एक अलग लेवल की एनर्जी है। तो उसमें यह होता है कि आप वही एनर्जी है, वही बॉन्डिंग है, वो आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। ओके, बात करें तो आपकी पर्सनली सबसे ज्यादा एक पर्सन होता है जो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, ऐसा कोई अभी तक आपका सेट पे हुआ है? मैं अपने सेट में ऐसे किसी एक नाम ले नहीं सकता, मुझे मेरी बॉन्डिंग मैं पहले धवल के साथ काम कर चुका हूं, उनके साथ बहुत अच्छी है, और मतलब जो लोग नए भी आए हैं मतलब बाकी के साथ पहली बार करना बहुत अच्छी बॉन्डिंग, तो एक नाम ले नहीं सकता क्योंकि यह कास्ट चाहिए और हम सबको ये होता है कि यार चलो उससे मिलते हैं, इससे मिलते हैं, यार आगे राष्ट्र भी नहीं है, चलो आपस में फोन करके बात करें, चलो यार मिलते हैं, लेट्स मीट अप, कॉफी के लिए मिलते हैं, कुछ करते हैं, लेट्स मीट अप। सो ऑडियंस के लिए क्या कुछ नया ट्विस्ट ला रहा है शो अभी? देखिए आप अगर आपने हमारा शो देखा है, हमने जुलाई में शुरू किया और तब से लेके अब तक डेली हर एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट चलता है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कभी पुलिस आ जाती है, कभी आप बिहाइंड पास हो जाते हैं, कभी बीच में हमारे जो सिंगर आई थी बहुत बड़ी भूमि त्रिवेदी आई थी, हाँ तो हमारे उसके बाद शादी का ट्विस्ट, उसके बाद रोजर आया, जैसी भी आ गई, तो हमारे हर एपिसोड में कोई ना कोई ट्विस्ट आ ही रहा है। बीच में ये था कि उसने हमारे सिलेंडर साइड पर कर दी है, तो खाना गिराने का ट्विस्ट, तो हमारे डेली कुछ ना कुछ चल ही रहा है, हमारी तरफ से वही पूरी कोशिश है कि हम ऑडियंस को आगे भी इतना एंटरटेन करें कि वो उन्हें होता रहा भाई अगला एपिसोड भी अभी दिखाओ, अगला एपिसोड भी अभी दिखाओ, वी आर सो वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग टू ब्रिंग ऑन प्लेटर ऑन प्लेटफॉर्म सच काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट कि हमारे ऑडियंस बस हमारे वैसे ही लॉयल्टी बना के रखे, वैसे प्यार। सो पांड्या शो को फैन को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? प्लीज देखते रहिए, हम यही हैं, हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं और हमने आपको इतने सारे एंटरटेन किया है, आगे भी हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, और अपनी दुआएं बनाए रखिए, अपनी ब्लेसिंग देते रहिए और प्लीज हमें अपने टीवी पे अपने स्क्रीन पे देखिए। इनकी बातों पे इतना विश्वास मत कीजिएगा, इस मैन ये है, ये है, अब आए कुलजासिम से, कुलजासिम से अब इन्होंने सब बोल देना, एक घंटे से आपको जो बोल रहे हैं एक भी लाइन पे विश्वास नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया, ये उन लोगों में से हैं, इन्होंने कई बार मुझे कहा है गुलजा सिंसिम में आके मुझे टैटा फिश दिए, मुझे आज भी मेरे को तीन टैटा फिश मैंने आज भी संभाल के रखी है, शुक्र करो आपको टैटा फिश मिली, बाकी उनका तो हमने सब कुछ मिल गया। सर यू वांट टू ऐड समथिंग? सर आई डोंट वांट टू ऐड समथिंग, बहुत बढ़िया,